कौन से रोल में दिखेंगी दीपिका, किसने की दीपिका की मदद। हेलो एंड वार्म वेलकम, आप देख रहे हैं बॉलीग्रैड स्टूडियो। आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ एक ऐसी दिलचस्प खबर जो कि जुड़ी है बॉलीवुड की अपकमिंग मूवी सनकी के साथ। तो दोस्तों अंत तक जुड़े रहिए मेरे साथ। सनकी फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं साउथ के ब्लॉकबस्टर डायरेक्टर अटली कुमार, और अटली कुमार और एसआरके का काफी टाइम से मिलना जुलना तो बना ही रहा है। तो ऐसा लगता है कि एसआरके के लिए ये फिल्म काफी ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट बन सकती है। बताया जा रहा है कि फिल्म का टाइटल नेम सनकी सलमान खान के एक किसी किस्से से जुड़ा है, और वो किस्सा कुछ ऐसा है कि कुछ ही साल पहले साजिद नादिया द्वारा, जो कि एक फेमस डायरेक्टर है, वो सलमान खान की एक फिल्म को शूट करने वाले थे। और इत्तेफाक की बात तो ये है कि उस फिल्म का नाम भी सनकी ही रखा गया था, मगर कुछ रीजंस की वजह से उस फिल्म की स्क्रिप्ट को कैंसिल करना पड़ रहा था और उसी वक्त उस फिल्म को रोका गया था। मगर अब शायद ही इस बार अगर साजिद नादियादवाला इस फिल्म को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो इस फिल्म का टाइटल नेम सनकी तो बिल्कुल भी नहीं रख सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी अटली कुमार ने एसआरके की फिल्म को दे दिया है। तो देखना अब यह है कि क्या साजिद की सनकी और अटली की सनकी की कहानी में क्या क्या डिफरेंसेस हमको देखने को मिल सकता है। और खबर की बात तो ये भी है कि सनकी फिल्म में दीपिका का किरदार एक टिपिकल गुजराती गर्ल के रोल में देखने को मिल सकता है। इस बार दीपिका के लिए गुजराती की एक्सेंट बोलना काफी इजी पड़ेगा, क्योंकि उनकी पिछली फिल्म रामलीला में ही उन्होंने पहली बार प्रॉपर गुजराती बोलना सीख लिया था, जिसमें उन्होंने उनकी फ्रेंड्स की मदद ली थी और उनके फ्रेंड्स भी काफी ज्यादा सपोर्टिव हैं इस चीज के लिए। और अभी इस बार भी ऐसा माना जा रहा है कि दीपिका के फ्रेंड्स उनके सनकी के रोल के लिए भी इस बार काफी मदद करेंगी। तो देखना अभी है कि दीपिका अपने गुजराती गर्ल के लुक में कैसे जीतेंगी दर्शकों का दिल। ऐसे ही चटपटी और रंजक कहानियां हम आप तक जल्दी पहुंचाएंगे। आपके इस मूवी के ऊपर क्या व्यूज है ये हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन को भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको हमारे वीडियोस नोटिफिकेशन जल्दी पहुंच पाए। और दोस्तों जाते जाते इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो और नए कंटेंट के साथ, तब तक जुड़े रहिए